हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर नोटबुक इंग्लिश। डियर नोटबुक इंग्लिश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के स्पेलिंग को सीखेंगे जिसे हम लोग अक्सर गलत लिखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड ट्राई टू लर्न। हम लोग का फर्स्ट वर्ड है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट क्या होता है? आर्मी के एक बड़े अधिकारी होते हैं। एक बड़े ऑफिसर होते हैं। तो हम लोग लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग हम लोग क्या करते हैं, एल ई आई से स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होती है। तो हम लोग लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी, एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी, लेफ्टिनेंट। हम लोग इसको ट्रिक से सीखते हैं। इसको हम लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। लेफ्टिनेंट वर्ड्स को हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ते हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एल आई ई लाई, फिर हम लोग लिख सकते हैं यू, फिर हम लोग लिख सकते हैं टेन, और हम लोग एंट लिख सकते हैं। और हम लोग इसको देखते हैं, ये लाई मीन्स क्या होता है, झूठ। यू मीन्स ऐसे समझिए तुम होता है, टेन मीन्स दस, और एंट मीन्स क्या होती है, चीटी। तो आप लोग को टेन लिखना आता है, एंट लिखना आता है, यू भी लिखना आता है, और लाई, लाई मतलब क्या होता है, झूठ, ये भी लिखना आप लोगों को आता है। तो बस हमेशा याद रखिए, झूठ, तुम, दस और चीटी, अगर आपको ये याद है तो आप लोग लेफ्टिनेंट को आसानी से लिख सकते हैं, लाई यू टेन एंड। लाई मीन्स क्या होता है, झूठ, यू मीन्स तुम, टेन मीन्स दस, और एंड मीन्स चीटी। फिर से देखते हैं, लाई एल आई ई लाई यू टेन एंड, lie you ten and, lieutenant, lieutenant कैसे लिखेंगे, l i e u t e n a n t, lieutenant, यानी lie you ten and। हम लोग का सेकेंड वर्ड है ग्रामर। हम लोग अक्सर इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रामर की स्पेलिंग लिखने की तो हम लोग अक्सर गलत लिख देते हैं। हम लोग ग्रामर की स्पेलिंग किस ढंग से लिखते हैं, जी आर ए एम एम ई और आर, हम लोग ई ए ई लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम लोग का ग्रामर की सही स्पेलिंग होगी जी आर ए एम एम ए आर, हम लोग ए लगाएंगे लास्ट में, क्या लगाएंगे, ए, ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्याकरण। हम लोग का थर्ड वर्ड है सुनामी। सुनामी क्या होता है, समुद्र में बहुत ऊंची हाइट से लहरें उठती है, जिसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, जो कि काफी तबाही उत्पन्न करती है। तो हम लोग सुनामी के स्पेलिंग को सीखते हैं। सुनामी की स्पेलिंग हम लोग एस, सुनामी की स्पेलिंग हम लोग एस यू एन ए एम आई अगर लिखते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। सुनामी की सही स्पेलिंग होगी एस यू एन ए एम आई, लेकिन हम लोग आगे में टी लगाना पड़ेगा। आगे में क्या लगाना पड़ेगा, टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सुनामी में क्या होता है, टी साइलेंट होता है। सुनामी में क्या होता है, टी साइलेंट होता है। तो सुनामी की सही स्पेलिंग क्या होगी, टी S U N A M I, सुनामी। हमेशा याद रखिए सुनामी T से स्टार्ट होती है, और सुनामी वर्ड में T क्या होता है, साइलेंट होता है। तो सही स्पेलिंग होगा हम लोग का सुनामी का T S U N A M I। मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, लंग्स का एक डिजीज है। निमोनिया क्या है, लंग्स यानी फेफड़े की एक डिजीज है। आप देखिए निमोनिया की स्पेलिंग क्या होती है, एन ई यू न्यू एम ओ एन आई ए, न्यूमोनिया। अगर हम लोग इस ढंग से लिखते हैं निमोनिया को, यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हम लोग निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, जो कि पी क्या होता है, साइलेंट होता है। तो हम लोग निमोनिया की स्पेलिंग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी, उसके बाद ये वाली निमोनिया लिख देंगे, पी N E U न्यू M O N I A, निमोनिया।
आप लोग हमेशा नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा, निमोनिया की स्पेलिंग क्या चीज़ से स्टार्ट होती है, पी से। अब बाकी हम लोग न्यूमोनिया इस ढंग से लिख देंगे। हम लोग का लास्ट वर्ड है वो है सिगरेट। सिगरेट आप लोग अक्सर देखे ही होंगे, इसलिए मुझे सिगरेट को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिगरेट की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, सी आई जी ए आर ई टी ई। अगर हम लोग सिंगल टी लिखते हैं तो हम लोग का स्पेलिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सिगरेट की सही स्पेलिंग क्या होगी, सी आई जी ए आर ई टी टी ई। हम लोग सिगरेट में क्या करेंगे, डबल टी जोड़ेंगे, और सिगरेट के इस टी से पहले भी एक ई होगा, और लास्ट के टी के पीछे बाद भी क्या होगा, एक ई होगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो, और यह वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक, और चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।